नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी में। हूं करनाल से केसीआर। करनाल में लघु सचिवालय में किसान एक बार फिर सड़कों पर यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं सेक्टर 12 और यहां डीसी को ज्ञापन देंगे। मांग कर रहे हैं कि जो लखीमपुर का मामला है उसमें कार्रवाई हो, जो मंत्री है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। उसमें उसके बेटे को और उन गुंडों को जो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिसकी साजिश के तहत होया, वो जो राज्य मंत्री है अजय मिश्रा जी, वो अब भी खुले में घूम रहा। जब तक उसको बर्खास्त नहीं कर दे, उस पर अंदर ही ठोक दे, इतने तक ये धरने प्रदर्शन ऐसे चलते रहेंगे। आज हमारी 3 मुख्य मांगे हैं कि उस अजय मिश्रा को पहले बर्खास्त करें और तुरंत उसको फिर गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार करने के बाद तीसरी मांग है कि कोई भी माननीय उच्चतम न्यायालय का जज, सिटिंग जज, उससे इस सारे कांड की जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए और किसानों को न्याय मिले। इससे पहले रोकी गई थी उसका। तो यह है किसानों की मांगे, 3 मांगे हैं कि सिटिंग जज से जांच हो, बर्खास्तगी की मांग, उसके बाद गिरफ्तारी की मांग को लेकर लघु सचिवालय में किसान पहुंचे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो लखीमपुर का जो कांड है उसमें मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज फिर करनाल में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम सिटी में पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया था लखीमपुर कांड को लेकर के यहाँ पर, और आज फिर किसानों में रोष है कि जो मंत्री है जिसके बेटे ने गाड़ी चढ़ा करके जो 4 किसानों की हत्या की थी, वहीं पत्रकार की हत्या की थी, उसमें मामला दर्ज है, परंतु कार्रवाई मंत्री के खिलाफ अभी तक नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के आज फिर किसान लघु सचिवालय पहुंचे हैं और डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि लखीमपुर के कांड में जो आरोपी है उस मंत्री के बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया, परंतु मंत्री के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सर, मंत्री के खिलाफ बचाने की कार्रवाई की बात को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये जो मंत्री अजय मिश्रा है उसको अभी तक सरकार ने ना बर्खास्त किया, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई उस पर हुई, क्योंकि उस पर 120B के तहत उसके ऊपर पर्चा FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने उसे अपने मंत्रिमंडल से भी नहीं निकाला। और जो एक गाड़ी थी वहाँ, वो भी मंत्री के नाम थी, इंश्योरेंस भी उसका खत्म था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही हमारी मांगे हैं, उसको पहले बर्खास्त किया जाए, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये राष्ट्रपति जी के नाम देंगे हम और डीसी साहब को देंगे। किसानों की मांग है कि डीसी को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम कि जो भी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, और जो मंत्री है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि किसान लघु सचिवालय सेक्टर 12 पहुँचे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है उसमें कार्रवाई की जाए। फिलहाल किसान बात करते हुए उनसे जानते हैं क्या मांग है उनकी। तो मैं उनको लखा सिदाना को यही कहूंगा भी उसमें अपना सॉरी फील कर ले, कुछ नहीं, इससे आदमी की गर्दन नहीं टूटती। तेरा भविष्य है पंजाब में, तूने MLA का इलेक्शन भी लड़ना है, बाकी तेरी पार्टी, तेरा सिस्टम है सारा, क्यों उसको अपना उस पर दावे लगा रहे तू? तेरा भविष्य है, और इसलिए जो ये मुद्दा है ये आगे ना बढ़े, और हाथ जोड़ के उस भाई से, नवीन से माफी मांग ले भी भाई साहब मेरे से गलती हुई है, मैं उसको फील करता हूँ। तो दो जवान है, आगे बहुत भविष्य है, राजनीति कर रहा है, क्या राजनीति सलाहकार या पास में रहने वाले आदमी उसके साथ कोई तो क्या सोच रहा है? नहीं जी, उसको सलाहकार अच्छे नहीं मिल रहे हैं। जो जगदीप रंधावा है वो भी फटाफट लाइव हो जाता है, बिना किसी बात से, बिना किसी बात को जांचे परखे, और जो बहाना है वो भी बिल्कुल, उसका तो आपको पता ही है क्या चीज है वो। उसको सलाहकार अच्छे नहीं मिल रहे हैं। वो लखे को यही अपील है मेरी कि सलाहकार अपनी पार्टी में अच्छे रख, और न्यांग नवीन सिंह से अपना हाथ जोड़ करके माफी मांग लो। आपका प्रोग्राम? हाँ जी। आपका नाम? हाँ जी, तखविंदर सिंह। तखविंदर जी, आज यहाँ सेक्टर 12 में पहुंचे हैं, क्या मामला है, आप किस लिए आए? यहाँ पर जी हमारा आने का मुख्य प्रयोजन यही है कि जो लखीमपुर में हमारे किसानों को गाड़ियों से कुचल के शहीद किया गया है, और जो आशीष मिश्रा है वो तो अंदर है, उसका जो फादर है वो अभी तक अपना मंत्री, गृह मंत्री का जो पद है उसी के ऊपर बैठा हुआ है। गिरफ्तारी तो बाद की बात है, अभी तक बर्खास्त तक नहीं किया गया। तो मैं आशीष मिश्रा से ज़्यादा गुनाहगार अजय मिश्रा को मानता हूँ, क्योंकि 4 दिन पहले अजय मिश्रा ही बोल रहे थे कि ये, हाँ जी, ये थे किसान और अभी ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे, तहसीलदार पहुँचे, तहसीलदार को ज्ञापन दिया जा रहा है।
और तहसीलदार राजबक्स यहाँ पहुँचे हैं और अब ज्ञापन दिया जा रहा किसानों का। तहसीलदार को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम की जो लखीमपुर कांड में है आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, मंत्री की बर्खास्तगी और मंत्री की बर्खास्तगी अब उनको गिरफ्तार किया जाए, यही मांग को लेकर आज किसानों ने जो ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम। फिलहाल तहसीलदार राजबक्स को ज्ञापन सौंप दिया है और मांग की गई है कि इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं हूं करनाल से केसी आर्य, पंजाब केसरी टीवी।